नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में रीवा सीट के लिए वोटिंग जारी है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है, लेकिन तेज गर्मी और लगन के कारण मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। इस दौरान मतदान करने पहुंचे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने लोगों से अपील की। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने मतदान करने के लिए लोगों से घर से निकलने के लिए कहा और कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। कम वोटिंग के सवाल पर राजेंद्र शर्मा ने कहा कि लोग मोदी जी को तो वोट करना चाहते थे, लेकिन सांसद जनार्दन मिश्रा को नहीं, जिसके चलते लोग घर से ही नहीं निकल रहे। हमारे पार्टी के लोगों ने निकलकर मतदान किया है। आइए सुनते हैं इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को, उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, इस समय मतदान का प्रतिशत आज बहुत ज्यादा नहीं है। एक तो आज शादियां भी बहुत हैं, व्रतबंध के भी बहुत मुहूर्त हैं और गर्मियां भी बहुत हैं। इसके कारण मैं सबसे पहले तो रीवा के सभी जागरूक मतदाताओं से रीवा ज़िले के इस बात की अपील करता हूं कि अभी भी 2 घंटे शेष हैं, 6 बजे तक आप मतदान कर सकते हैं, तो आप घर से निकलें और मतदान अवश्य करें। देश में प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए इस बार हर व्यक्ति का मतदान आवश्यक है। सुबह राजेंद्र शुक्ला ने बयान दिया कि 400 पार का नारा बरकरार है, आप परिणाम देख लीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस मानेंगे या फिर वाकई कॉन्फिडेंट है वो इस चीज़ को? किसी चीज इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस इलेक्ट्रोल में, वोटिंग में और जनतंत्र में। कॉन्फिडेंस इस तरीके का व्यक्त करना इस बात का सबूत है कि कुछ न कुछ इनको मशीनों पर ज़्यादा विश्वास है पर जनता पे कम। हमें जनता पे विश्वास। कम वोटिंग को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कम वोट, जब भी कम वोट पड़ता है तो वो वोटर की उदासीनता का दिखाता है। उदासीनता किस से? वर्तमान से। वर्तमान कौन है? सांसद जनार्दन मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी। जो कांग्रेस का उत्साही मतदाता है, जो परिवर्तन चाहता है, वो वोट डाल रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी हैं श्रीमती नीलम मिश्रा, ये इस चुनाव को जीत रही हैं, भारी मतों से जीत रही हैं। आप लोगों ने पूरा कैंपेन लोकल क्यों कर दिया, जबकि राष्ट्र का चुनाव था? बार बार कहते थे कि नेशनल इश्यूज पे बात होनी चाहिए, लेकिन चुनाव पूरा सिर्फ लोकसभा रीवा तक केंद्रित है। भारतीय जनतंत्र जो है और जो हमारी संसदीय प्रणाली है, वो ये कहती है कि आप अपने संसदीय क्षेत्र से एक योग्य संसद को चुनें, वो सब संसद मिलकर प्रधानमंत्री चुनेंगे। हमें देश के संविधान पर विश्वास है, संविधान प्रक्रियाओं पर विश्वास है। संविधान ये कहता है कि आप संसद की निर्वाचन करिए और हम संसद का हमने निर्वाचन कर दिया। इसके बाद संसद तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सरकार किसकी बनेगी। धन्यवाद।